मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, इसका जवाब चुनाव से पहले एक सर्वे ने देने की कोशिश की है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच किए गए जी न्यूज के सर्वे में 11,458 लोगों की राय ली गई, जिसमें कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर भी कांग्रेस की बढ़त बनती हुई दिख रही है। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी 34 में से सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 34 में से 24 से 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा एक सीट जाने की संभावना है। वहीं 230 विधानसभा सीटों वाले पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस 132 से 146 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के 84 से 98 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें मैक्सिमम जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 46% वोट शेयर अपने खाते में रख सकती है, जबकि बीजेपी 43% और अन्य को 11% वोट शेयर हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद 15 महीने में ही सरकार गिर गई। ऐसे में 2023 में कांग्रेस इस धोखेबाजी का बदला लेने के लिए भी चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।